प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार कर रहा है। हालांकि मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान राम लला की मूर्ति को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब मूर्ति चयन की प्रक्रिया भी आखिरकार पूरी हो चुकी है, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने औपचारिक रूप से एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी साझा की और इसी के साथ प्रभु श्री राम की दिव्य मूर्ति की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिन्हें देखकर राम भक्तों में भक्तिभाव का ज्वार उमड़ पड़ा है। वहीं भगवान की इस दिव्य मूर्ति के शिल्पकार अरुण योगी राज की भी अब देश भर में चर्चा हो रही है, जिससे योगी राज का पूरा परिवार काफी खुश है कि उनके बेटे द्वारा बनाई गई प्रभु राम की मूर्ति के दर्शन अब पूरी दुनिया करेगी। अब जरा जान लेते हैं कि कौन है भगवान राम लला को मूर्त रूप देने वाले शिल्पकार अरुण योगी राज। शिल्पी के बेटे और 37 वर्षीय अरुण योगी राज मैसूरू महल के शिल्पकारों के परिवार से आते हैं। अरुण के पिता माँ गायत्री और भुवनेश्वरी मंदिर के लिए भी कार्य कर चुके हैं। योगी राज पांचवी पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अरुण की प्रतिभा की सराहना कर चुके हैं। अरुण के पिता योगी राज भी एक कुशल मूर्तिकार हैं। उनके दादा बसवन्ना शिल्पी को मैसूरू के राजा का संरक्षण प्राप्त था। इसी पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले अरुण योगी राज भी बचपन से ही नक्काशी के काम से जुड़े रहे। MBA की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में भी काम किया, लेकिन 2008 में मूर्तिकार बनने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनको मूर्ति बनाने की तरफ झुकाव बचपन से ही था। वहीं मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों की पांच पीढ़ियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले अरुण योगी राज वर्तमान में देश में सबसे अधिक मांग वाले मूर्तिकार हैं। आपको बता दें कि इंडिया गेट पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की मूर्ति भी अरुण ने ही तराशी है। जानकारी के मुताबिक भव्य राम मंदिर के लिए तीन मूर्तियों का निर्माण तीन मूर्तिकारों गणेश भट्ट, योगी राज और सत्यनारायण पांडे ने तीन पत्थरों से किया। इसमें सत्यनारायण पांडे की मूर्ति श्वेत संगमरमर की है, जबकि शेष दोनों मूर्तियां कर्नाटक के नीले पत्थर की हैं। इसमें गणेश भट्ट की प्रतिमा दक्षिण भारत की शैली में बनी थी, इस कारण अरुण योगी राज की मूर्ति का चयन किया गया है। अरुण योगी राज बीते 6 महीने से रोज 12 घंटे काम करके रामलला की मूर्ति तैयार कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जोरों से चल रही हैं, जिसमें हजारों गणमान्य व्यक्तियों और समाज के सभी वर्गों के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या में प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू होंगे। वहीं अब भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली चयनित दिव्य राम मूर्ति की तस्वीरें सामने आने के बाद राम भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।